जय गणेश। मैं हूं नरेश एस्ट्रोलॉजर और आज का ये वीडियो है धनु राशि के लिए 7 अगस्त 2017 को होने वाला चंद्र ग्रहण कैसा फल देने वाला है इसके बारे में। सबसे पहले बात करेंगे ये ग्रहण जो है वो 7 अगस्त 2017 को सावन सूद पूनम को रक्षाबंधन के दिन रात को 10:52:03 को शुरू होता है और ग्रहण का जो मोक्ष होता है वो रात को 11:50:13 को। तो मकर राशि एवं श्रवण नक्षत्र में होने वाला चंद्र ग्रहण धनु राशि के लिए कैसा है जानते हैं इस वीडियो के अंदर। धनु राशि के लिए ये ग्रहण का फल शुभ नहीं होगा क्योंकि ये आपके धन स्थान के अंदर हो रहा है और धनु राशि के अंदर होने वाला ये ग्रहण खास करके जो भी जातक का जन्म मूला एवं पूर्वाषाढ़ नक्षत्र में हुआ है ये दोनों नक्षत्र वालों के लिए शुभ नहीं होगा क्योंकि जो मूला नक्षत्र में जिसका जन्म है इनके लिए ये ग्रहण शत्रु योनि में होता है और पूर्वाषाढ़ नक्षत्र में जिसका जन्म है उनके लिए ये विपत नक्षत्र में ग्रहण होता है। तो ग्रहण के अंदर खास ग्रहण के इफेक्ट के अंदर खास करके आपको वाणी में संयम रत्न होगा, अपने कुटुंब के अंदर आँखों की विशेष केयर करनी होगी, पानी से भी आपको सावधान रहना होगा, व्हीकल ड्राइव में भी केयर करना होगा, ये सभी जगह पे आपको केयर करना होगा। ग्रहण के अशुभत्व के निवारण के लिए आपको बंदरों को खिलाना चाहिए, महत्तम मंत्र करें ओम नमः शिवाय और अपने इष्ट देव या देवी का भी ध्यान करें ग्रहण की शांति के लिए। यदि आपकी कोई मित्र हैं धनु राशि वाले तो वीडियो आप उनको जरूर शेयर करें, कॉमेंट्स करें चैनल पर, कॉमेंट्स करें वीडियो पर, सब्सक्राइब जरूर करें। Thanks for watching.